वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हम जानते हैं यार, कोई भी पोकेमॉन एक सेम मूव को यूज करता है तो उस मूव का साइज जो है वो सेम ही रहता है हमेशा, कैसा भी कोई भी पोकेमॉन यूज करे। लेकिन यार आज मैं तुमको टॉप 15 ऐसे पोकेमॉन के मूव्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके जो मूव्स हैं वो नॉर्मल पोकेमॉन के साइज के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, यानी कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और ज्यादा ही साइज में बड़े हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग एश के लुकारियो के ऑरा स्फीयर के साथ में। अब हम लोग सब जानते हैं ऑरा स्फीयर एक फाइटिंग टाइप का काफी ज्यादा बढ़िया मूव है जो कि हम लुकारियो पोकेमॉन की वजह से ज्यादा जानते हैं, मतलब लुकारियो के लिए ये मूव बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अब यार देखा जाए तो एक नॉर्मल ऑरा स्फीयर की तुम साइज देख सकते हो कुछ इतनी होती है, एक इतने साइज का होता है भाई ऑरा स्फीयर और बहुत खतरनाक मूव है ये। लेकिन एश का जो लुकारियो है भाई वो अपने ऑरा स्फीयर को इतना बड़ा कर सकता है, इतना बड़ा कर सकता है कि भाई क्या ही बात करें। तुमने भाई मचाम वाली मैच में देखा होगा, तुम देख सकते हो इसके ऑरा स्फीयर का साइज कितना ज्यादा है एश के लुकारियो का। और भाई इसका जो नॉर्मल वाला ऑरा स्फीयर है ना वो भी एक्चुअली ज्यादा बड़ा है भाई किसी और लुकारियो के मुकाबले, और ऊपर से ये जायंट ऑरा स्फीयर भी बना सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, और इसकी पावर तो भाई नेक्स्ट लेवल रहती है इस वाले ऑरा स्फीयर की। तो हाँ यार इसका बहुत खतरनाक मूव है, और एश के लुकारियो का एक काफी खतरनाक जायंट सा मूव है जो कि सिर्फ एश का लुकारियो कर सकता है, इतना ज्यादा बड़ा ऑरा स्फीयर और कोई भी लुकारियो नहीं कर सकता। नंबर 2 एश का ग्रेनिंजा का वाटर शुरिकेन। अब हम सब जानते हैं जब एश का ग्रेनिंजा एश ग्रेनिंजा यानी कि बॉन्ड इवॉल्व वाले फॉर्म में आता है तब यार उसका जो वाटर शुरिकेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है साइज में, उसके पीछे भाई बहुत बड़ा शुरिकेन आ जाता है और भाई वो इसको साइज में और भी ज्यादा बड़ा कर पाता है, और जब यूज करता है तो यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूवमेंट रहता है, और इतना बड़ा वाटर शुरिकेन क्या ही बात करें। नॉर्मल वाटर शुरिकेन की साइज तुम यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल शुरिकेन बहुत ज्यादा छोटे छोटे ही होते हैं और हर कोई जो ग्रेनिंजा है वो बस ऐसे ही छोटे छोटे शुरिकेन यूज करता है, लेकिन अपना एश ग्रेनिंजा भाई ये तो एकदम यूनिक है और इतना बड़ा शुरिकेन यूज कर सकता है, देख सकते हो कितना खतरनाक है भाई इसका ये मूव, काफी पावरफुल वाटर टाइप मूव है ये। नॉर्मल ग्रेनिंजा और कोई भी भाई ये वाला मूव यूज नहीं कर सकता, और इतना स्पेशल मूव है भाई ये ग्रेनिंजा का, इसीलिए भाई पोकेमॉन यूनाइट के अंदर भी यूनाइट मूव ग्रेनिंजा का यही दिया हुआ है, इतना बड़ा वाला शुरिकेन, तो काफी सही है ये। नंबर 3 एश के पिकाचू का जायंट इलेक्ट्रो बॉल। अब इलेक्ट्रो बॉल एक इलेक्ट्रिक टाइप का मूव है और एक काफी पावरफुल मूव है, काफी खतरनाक है। तुमने इस मूव को भाई खुद पिकाचू को काफी बार यूज करते हुए देखा होगा, उसका नॉर्मल वाला इलेक्ट्रो बॉल छोटा ही होता है, उतना बड़ा नहीं होता साइज में। इसके अलावा तुमने इलेक्टाबस जैसे पोकेमॉन को भी यूज करते हुए देखा होगा, या फिर इमोल्गा, ये सब भी यूज करते हैं, तुम देख सकते हो साइज उतना ज्यादा नहीं होता इनके इलेक्ट्रो बॉल का। लेकिन एक एपिसोड के अंदर जो कि एक्चुअली बैंड एपिसोड है भाई यूनोवा से, और उस एपिसोड के अंदर पिकाचू ने इतना ज्यादा जायंट इलेक्ट्रो बॉल यूज किया था, सीरियसली तुम देख सकते हो उसका साइज कितना ज्यादा है, इतना बड़ा इलेक्ट्रो बॉल यूज किया था और इसको लगने के बाद भाई पूरा ब्लास्ट हो गया था वहां पे, तुम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो कितना खतरनाक मूव होगा ये। तो हाँ डेफिनेटली भाई ये सिर्फ एश का पिकाचू यूज कर सकता है, इतना बड़ा वाला इलेक्ट्रो बॉल बहुत खतरनाक है। नंबर 4 एश के बुइजल का वाटर गन। अब यार वाटर गन एक काफी ज्यादा कॉमन वाटर टाइप का मूव है जो कि उतना पावरफुल भी नहीं होता, एवरेज सा ही वाटर टाइप मूव होता है, लेकिन हाँ इसमें भी साइज होते हैं, मतलब अलग अलग पोकेमॉन का अलग अलग साइज से होता है भाई वाटर गन जो है। तो अगर तुम दूसरे पोकेमॉन का देखो जैसे कि साइडक का, इसका तो भाई मतलब गिनती में नहीं आता, इतना छोटा सा वाटर गन है। किसी और पोकेमॉन का देखो तो भाई जैसे स्क्वाटल, इसका भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता वाटर गन, लेकिन एश का बुइजल का जो वाटर गन है ना ये कंसिस्टेंटली हर बार जब भी दिखाए इतना ज्यादा बड़ा दिखाए, तुम देख सकते हो साइज कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है इसके वाटर गन का, और भाई डेफिनेटली इसका डैमेज भी बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब तुम देख सकते हो बिल्कुल हाइड्रो पंप जितना साइज है भाई इसका, जबकि है ये वाटर गन और इसका साइज हाइड्रो पंप जैसा है। तो यार मतलब बहुत ही खतरनाक है भाई एश के बुइजल का तो ये वाला मूव, और ये सिर्फ एश का बुइजल ही इतना ज्यादा बड़ा करता है वाटर गन, बाकी सारे पोकेमॉन का देखोगे तो साइज में उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो कह सकते हैं इसका वाटर गन जायंट वाटर गन है एश के बुइजल का। नंबर 5 म्यूटू का जायंट शैडो बॉल। अब यार शैडो बॉल एक घोस्ट टाइप का काफी ज्यादा बढ़िया मूव है, काफी पावरफुल है, और एनिमे के अंदर इसको ऐसे पोकेमॉन यूज करते रहते हैं, घोस्ट टाइप में काफी कॉमन है ये मूव भाई, ऐसे यूज करते रहते हैं पोकेमॉन, और उनका तुम साइज देखोगे जैसे कि इस वाले में फ्लेरियन वाले का साइज देख सकते हो, इतना ज्यादा भी नहीं है। इसके अलावा कुछ और पोकेमॉन भी यूज कर सकते हैं इसको, काफी यूज कर सकते हैं एक्चुअली, उन सब का भी साइज तुम देख सकते हो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है शैडो बॉल का। लेकिन यार पोकेमॉन जर्नीज के अंदर जो म्यूटू ने यूज किया था शैडो बॉल वो इतना ज्यादा जायंट था, इतना ज्यादा बड़ा था भाई क्या ही बात करें, तुम खुद यहाँ पे देख सकते हो इतना ज्यादा साइज है, मतलब एश का लुकारियो जो ऑरा स्फीयर यूज करता है उसमें भी भाई इतना साइज नहीं रहता वो जायंट ऑरा स्फीयर का, इसका साइज तो भाई सबसे ज्यादा है, इतना ज्यादा बड़ा, और इसकी पावर तो भाई इमेजिन कर ही सकते हो कितनी ज्यादा रहेगी भाई, इतना खतरनाक मूव है ये म्यूटू का, मतलब एक ही हिट में खत्म कर सकता है भाई इतने बड़े शैडो बॉल से। तो वो नंबर 6 डॉन के पिपलप का जायंट वर्पूल मूव।
वर्पूल एक वाटर टाइप का काफी बढ़िया मूव है, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है भाई, मस्त सा मूव है और इसको भाई काफी सारे पोकेमॉन्स यूज कर सकते हैं देखा जाए तो। और एनिमे के अंदर किया भी है भाई पिपलप के अलावा, जैसे कि एक तो भाई खुद एक दूसरे पिपलप ने किया था मूवी के अंदर और उसका भी तुम देख सकते हो इतना ज्यादा साइज नहीं है। इसके अलावा क्रैश और वेक का जो फ्लोटजेल था उसने भी यूज किया था, उसका भी तुम देख सकते हो इतना ज्यादा साइज नहीं है भाई वर्पूल का। लेकिन डॉन का जो पिपलप है वो वर्पूल जो यूज करता था भाई इतना ज्यादा बड़ा, मतलब तुम देखो यार साइज इतना ज्यादा बड़ा है इसका वर्पूल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई डॉन के पिपलप ने सिर्फ एक ही बार इतना ज़्यादा बड़ा वर्पूल यूज़ किया था, नहीं भाई उसके लिए बिल्कुल कॉमन सी बात थी, जब भी उसने वर्पूल यूज़ किया है वो इतना ज़्यादा ही बड़ा रहता है साइज में, मतलब देखो यार कितना ज़्यादा बड़ा साइज है वर्पूल का। तो डेफिनेटली भाई सबसे जायंट भाई एनिमे के अंदर इसी का वर्पूल है। नंबर 7 एश के टॉरकोल का ओवरहीट अटैक। ओवरहीट भाई फायर टाइप का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है यार, मतलब इसकी पावर तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रहती है। एनिमे के अंदर बहुत सारे पोकेमॉन ने ओवरहीट मूव का यूज किया है, खुद एश के चार्जर्ड ने भी किया है और भाई ब्लेजिकन ने भी किया था, मे के ब्लेजिकन ने, ऐसे काफी सारे पोकेमॉन ने भाई ओवरहीट अटैक का यूज किया है। लेकिन अगर तुम देखो उनका साइज तो भाई उतना ज्यादा नहीं रहता जितना एश के टॉरकोल का रहता है, इसका भाई साइज इतना ज्यादा बड़ा है ना ओवरहीट का, तुम देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है भाई टॉरकोल का ओवरहीट। और इसका भाई वन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यही था भाई, ओवरहीट ही था इसके पास जो भी सबसे खतरनाक मूव था टॉरकोल के पास, इसी से वो कुछ ना कुछ कर पाता था। और इसका जो ओवरहीट है बाकी सबके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है। अब यार ये पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बट हाँ ये तो आराम से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला तो इसी का ओवरहीट है। नंबर 8 हाइपर बीम। हाइपर बीम एक नॉर्मल टाइप का बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा मूव है और ये बहुत ज्यादा कॉमन भी है भाई, इसको यूज करते रहते हैं हर एक एपिसोड में, इसको काफी ज्यादा पोकेमॉन ने यूज किया है एनिमे के अंदर, मैं जैसे बताया भाई हर एक एपिसोड में यूज होता ही रहता है, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो काफी अलग अलग पोकेमॉन ने इसको यूज किया है और काफी सारे पोकेमॉन का तो भाई ऐसे अलग अलग कलर में भी होता है हाइपर बीम, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कलर में भी होता है। लेकिन अगर साइज देखोगे तो सबका साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन सबसे जायंट हाइपर बीम जिस पोकेमॉन का है ना वो है भाई मेगा रक्वेजा। मेगा रक्वेजा का अगर तुम देखो हाइपर बीम इतना ज्यादा बड़ा है भाई, तुम यहाँ पे देख सकते हो इतना ज्यादा बड़ा, मतलब इसके साइज के बराबर लग रहा है भाई, और रक्वेजा का साइज तुम जानते हो कितना ज्यादा साइज है भाई रक्वेजा का, तो इसका हाइपर बीम सबसे ज्यादा जायंट है भाई, इससे बड़ा तो और किसी का हाइपर बीम नहीं है, इतना खतरनाक है। वरना सबका साइज ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही होता है सबके हाइपर बीम का, लेकिन मेगा रक्वेजा का सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे ज्यादा बड़ा हाइपर बीम है। नंबर 9 वाटर पल्स। ये भी काफी कॉमन सा वाटर टाइप का मूव है और ये भी भाई काफी ज्यादा पावरफुल है देखा जाए तो। अब इसको बहुत सारे पोकेमॉन ने यूज किया है, ऐश का ग्रेनिंजा भी यूज करता था, इसके अलावा ऐश का बोइजल और भी ऐसे काफी सारे पोकेमॉन भाई हमने एनिमे के अंदर देखे हैं ऐसे वाटर पल्स यूज करते हुए। सबका वाटर पल्स ऐसे एकदम सेम साइज का होता है, छोटा सा ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा भाई हमने देखा है एक किमी नाम के ट्रेनर का लाइनून था उसका, इस लाइनून का एक निकनेम भी था। और भाई इसका जो वाटर पल्स है तुम देख सकते हो यहाँ पे साइज कितना ज्यादा बड़ा वाटर पल्स इसने यूज किया था और सारे के सारे पोकेमॉन में से सबसे जायंट वाटर पल्स इसी का था भाई, तो इसको तो लिस्ट में लेना बनता है। नंबर 10 एनर्जी बॉल अटैक। ये ग्रास टाइप का काफी बढ़िया सा मूव है और इसको भी काफी सारे पोकेमॉन ने यूज किया है एनिमे के अंदर और तुम साइज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ऐसे ठीक ठाक ही होता है भाई, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता एक एनर्जी पल्स का। लेकिन सबसे बड़ा सबसे जायंट एनर्जी पल्स यूज करता है भाई कैनी, जो कि सबको पता होगा डॉन का दोस्त है, उसका ब्रिलूम पोकेमॉन, ऐसा मत समझो भाई कैनी यूज करता है, उसके ब्रिलूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो हाँ उसका जो ब्रिलूम है वो एनर्जी बॉल यूज करता है, वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है साइज में, तुम यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे एनर्जी बॉल में सबसे बड़ा एनर्जी बॉल भाई इसके ब्रिलूम का ही है और इसकी पावर भी बहुत ज्यादा मस्त थी, बहुत ज्यादा पावर थी। नंबर 11 पायरो बॉल। ये एक फायर टाइप का बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक मूव है सिंट्रेस का, ये बेसिकली सिंट्रेस का सिग्नेचर मूव है, इसमें यार वो फुटबॉल की तरह मतलब एक फायर बॉल सी बनाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगती है सीरियसली, और इसका साइज एवरेज तुम देख सकते हो कुछ इतना ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन यार वो म्यूटू वाला जो एपिसोड था वहाँ पे गो के सिंड्रेस ने लिटरली इतना बड़ा पायरो बॉल बनाया था जो कि नॉर्मल साइज से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो डेफिनेटली ये भी लिस्ट में आएगा यार, और देखने से ये बड़ा खतरनाक लग रहा है सीरियसली। नंबर 12 फ्लेम थ्रोअर। अब यार ये फायर टाइप का बहुत ज़्यादा कॉमन सा मूव है, इसको काफ़ी पोकेमॉन्स यूज़ करते हैं और तुम देखोगे एक एवरेज साइज इतना ही होता है फ्लेम थ्रोअर का, ये उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता। लेकिन यार जो ऐश का इन्फर्ने पे ये जब अपने ब्लेज फॉर्म में आता है उसके बाद ये जो फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है साइज में, खासकर जो पॉल के अगेंस्ट में यूज़ किया था इसने उसका साइज तो अलग ही लेवल का था सीरियसली भाई, फ्लेम थ्रोअर ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पावर से इसने यूज़ किया है।
नंबर 13 यहाँ पे आता है मून ब्लास्ट। ये फेरी टाइप का एक काफी बढ़िया सा मूव है, लेकिन इसका भी जो साइज है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसका छोटा सा ही साइज रहता है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। और ये अच्छा खासा लेकिन पावरफुल होता है। लेकिन यार जो डियांता के गार्डेवॉर है इसने तो भाई अलग ही लेवल पे ले गई यार इस मूव को, क्योंकि यार जो मून ब्लास्ट था डियांता के गार्डेवॉर का मास्टरेट वाले बैटल में वो लिटरली इतना ज्यादा बड़ा था, ये नॉर्मल से इसका साइज कुछ ज्यादा ही है, तुम यहाँ पे इमेज में देख ही सकते हो। और इसकी जो पावर थी वो सीरियसली अलग ही लेवल पे चली गई थी, तो इसका मून ब्लास्ट डेफिनेटली एवरेज साइज से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। नंबर 14 सोलर बीम। ये ग्रास टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है डेफिनेटली यार, इसकी पावर अलग ही लेवल की होती है। और सारे जो भी बीम वाले अटैक हैं उन सब में इसका एवरेज साइज ही बहुत ज्यादा होता है सोलर बीम का। एक कोई छोटा पोकेमॉन भी इसको यूज करेगा तो भी इसका साइज बहुत ज्यादा रहता है सोलर बीम का, अलग ही खतरनाक है सीरियसली। लेकिन ऐश का जो सेप्टाइल है इसने यार जो सोलर बीम यूज किया ये तो नॉर्मल से भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसका सोलर बीम ऐसा दिखता है कि भाई ये तो पता नहीं कितनी नेक्स्ट लेवल पावर लगा के इसको यूज कर रहा है। और मुझे ये लगता है एनिमे के अंदर हमने इससे बड़ा सोलर बीम अभी तक किसी का भी देखा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली सेप्टाइल का सोलर बीम नॉर्मल से काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये भी लिस्ट में आएगा। फाइनली नंबर 15 यहाँ पे आता है ड्रैगन टाइप मूव ड्रैगन पल्स। ये मूव यार नॉर्मली उतना बड़ा नहीं होता, तुम यहाँ पे देख सकते हो काफी पतली सी बीम रहती है इसकी, उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही है देखने से। लेकिन यार जब तुम देखोगे साइबॉल जो कि एलीट 4 है कालोस का, उसके मेगा ब्लास्टोइज का ड्रैगन पल्स भाई ये अलग ही लेवल पे, तुम यहाँ पे देखो ये दिखने से ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल ड्रैगन पल्स से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और इससे साइज में भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो डेफिनेटली कहना पड़ेगा इससे खतरनाक ड्रैगन पल्स भाई मैंने तो अभी तक किसी का भी नहीं देखा, सबसे खतरनाक सबसे बड़ा इसी का होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली तुम लोग को पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे कुछ मूव्स अगर मैंने छोड़ दिया तो जरूर कमेंट के अंदर बताओ, मैं पार्ट 2 बना दूंगा। मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।